हे गाइस, वेलकम टू कोडिंग ज्ञान। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू फिक्स सर्च प्रॉब्लम्स इन योर विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। आपने देखा होगा विंडोज 10 में एक सर्च बॉक्स होता है जहाँ पे आप अपनी कोई भी फाइल्स, वीडियोस, पिक्चर्स वगैरह कुछ भी सर्च कर सकते हो। लेकिन क्या होता है कि कई की बार ये सर्च बॉक्स काम करना बंद कर देता है ड्यू टू सम इश्यूज। मतलब अगर आप कुछ टाइप करते हैं तो वो टाइप नहीं होता, कुछ सर्च करने पर वो आपका फोल्डर ओपन नहीं होता। तो इन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए मैं आपको यहाँ कुछ मेथड्स बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं। हमारा मेथड नंबर 1, रीस्टार्ट योर डिवाइस। ये एक बेसिक एडवाइस होती है जो किसी भी यूजर को दी जाती है कि वो अपना सिस्टम एक बार रीस्टार्ट करके देखे। काफ़ी सारे विंडो एरर्स इसी से ख़त्म हो जाते हैं, तो ये एक बार ट्राई करके देखिए। अगर फिर भी आपका ये सर्च बॉक्स नहीं काम कर रहा तो दूसरा मेथड ट्राई कीजिए, दैट इज़ टर्न कोटाना ऑफ एंड ऑन अगेन। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना टास्क मैनेजर ओपन करना है। कंट्रोल शिफ्ट एस्केप दबा के आप अपना टास्क मैनेजर ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आप प्रोसेसेस में देखेंगे, आप अपना कोटाना सर्च करेंगे कहाँ पे है, तो यहाँ पे कोटाना ऑप्शन है। इस पर राइट क्लिक करने से इसको आप एंड टास्क कर दीजिए। इससे आपका जो कोटाना है वो एक बार ऑफ हो जाएगा और अपने आप ही ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा अगेन। तो इससे भी फिक्स हो सकती है आपकी ये सर्च बॉक्स की प्रॉब्लम। अगर फिर भी अभी भी ये आपका नहीं चल रहा तो तब आता है हमारा मेथड नंबर 3, दैट इज़ विंडोज़ ट्रबल शूटर। ट्रबल शूटर रन करने के लिए आप अपनी सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाके मेन्यू में आपको अपडेट एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन मिलेगा, इसको क्लिक करिए। फिर लेफ्ट हैंड मेन्यू में आप यहाँ पर ट्रबल शूट देखेंगे कहाँ पर है, उसको क्लिक करें और उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करते रहिए जब तक आपको सर्च एंड इंडेक्सिंग की ऑप्शन ही मिल जाती। तो सर्च एंड इंडेक्सिंग सर्च करिए कहाँ पे है, इसको क्लिक करिए और रन द ट्रबल शूटर। ये रन करने के बाद ये आपकी प्रॉब्लम्स डिटेक्ट करेगा, मतलब ये आपको पिन पॉइंट कर देगा कि आपको पर्टिकुलरली किस चीज़ से प्रॉब्लम आ रही है। तो ये डिटेक्ट हो रहा है हमारा। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स लिखी आएंगी, आप सभी पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे आप अपनी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है। नेक्स्ट ट्राई ट्रबल शूटिंग एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, ये आपको फिर से एक बोलेगा कि आप ट्राई करिए फिर से। तो आप फिर से कोई भी ऑप्शन चेक कर सकते हैं एंड देन क्लिक नेक्स्ट। इससे आपका ट्रबल शूटर कम्प्लीट हो जाएगा। आप अपना सर्च बॉक्स फिर से चेक कर सकते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं। प्रोबेबिलिटी है कि इससे आपकी जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाए। अगर तब भी आपकी ये प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो रही तो आप अपना नेक्स्ट मेथड ट्राई कर सकते हैं, दैट इज़ मेक श्योर द सर्च सर्विस इज रनिंग। विंडोज़ सर्च सर्विस ओपन करने के लिए पहले आपको विंडोज़ R प्रेस करना होगा। यहाँ पे आपको एक सर्च का मेन्यू आएगा, यहाँ पे आप services.msc लिखेंगे देन प्रेस ओके। यहाँ पे आप देखेंगे आपको काफ़ी सारी सर्विसेज लिस्ट डाउन हो जाएंगी, लेकिन इन सभी सर्विसेज में से आपको विंडो सर्च ओपन करना है। तो विंडो सर्च, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विंडो सर्च की ऑप्शन आ गई है। अगर ये आपकी सर्विस रनिंग में है तो राइट क्लिक करने पे आप इसको रीस्टार्ट कर सकते हैं। अगर ये आपकी सर्विस डिसेबल्ड होती रनिंग की जगह तो आप राइट क्लिक करने पे इसको स्टार्ट कर देते। एक और चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि विंडोज सर्च का जो स्टार्टअप टाइप है वो ऑटोमेटिक पे सेट होना चाहिए। अगर ये आपका ऑटोमेटिक नहीं है तो आप इसको राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाके स्टार्टअप टाइप ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक आप सेट कर सकते हैं। अप्लाई हो जाएगा और देन क्लिक ओके। ये भी एक तरीका है जिससे आप अपनी सर्च बॉक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर फिर भी नहीं हुआ देन कम्स द मेथड नंबर 5, रीबिल्ड द विंडोज 10 सर्च इंडेक्सिंग ऑप्शंस। कई बार क्या होता है कि जो आपका विंडोज 10 होता है वो भूल जाता है कि आपकी सर्टेन फाइल्स और फोल्डर्स कहाँ पड़े हैं,
टू हेल्प इट आउट आप अपनी जो इंडेक्सिंग ऑप्शंस हैं वो रीबिल्ड करेंगे। रीबिल्ड करने के लिए आप अपनी विंडोज़ की प्लस आर प्रेस करेंगे, वहाँ पे कंट्रोल पैनल सर्च करिए एंड देन क्लिक ओके। यहाँ पे आपका कंट्रोल पैनल खुल जाएगा और राइट हैंड साइड पे कैटेगरी एंड देन क्लिक लार्ज आइकन्स। इन सभी आइकन्स में से आप अपना इंडेक्सिंग ऑप्शंस का कॉलम सर्च करेंगे, इंडेक्सिंग ऑप्शंस, और यहाँ पे एडवांस्ड बटन पे क्लिक करेंगे। आपका एक यहाँ पे एक पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, रीबिल करना है। रीबिल करेंगे तो ये काफ़ी टाइम ले सकता है, तो क्लिक ओके। यहाँ पे आप देखेंगे आपकी प्रोग्रेस स्टार्ट हो चुकी होगी, तो इस प्रोग्रेस को ख़त्म होने दीजिए। जब आपकी ये प्रोग्रेस ख़त्म हो जाएगी तो क्लोज कर दीजिए उसको। अब आप अपना सर्च बॉक्स रन करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने अपना नोटपैड सर्च किया, आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे रिज़ल्ट शो हो रहा है, एंड अगर मैं इसको क्लिक करूँ मेरी वो फाइल ओपन भी हो रही है। तो ये थे कुछ मेथड्स कि हाउ यू कैन फिक्स द प्रॉब्लम ऑफ सर्च बॉक्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।